जैसे जैसे राजस्थान के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ERCP यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना भी चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे को हवा दी है। ERCP पूर्वी राजस्थान के अब 13 जिलों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। इससे इन जिलों की करीब 3 करोड़ की आबादी को पेयजल और खेतों के लिए सिंचाई का पानी मिलेगा। इसीलिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से बार बार मांग कर रही है कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। अब चलिए आपको ये भी बताते हैं कि आखिरकार राजस्थान में ERCP का मुद्दा क्यों इतना गरमाया हुआ है। एक तरफ कांग्रेस पूरे नेतृत्व के साथ में BJP को घेरने की तैयारी कर रही है और चुनावी माहौल को देखते हुए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। राजस्थान सरकार ने ERCP में 53 बांधों को शामिल किया। पहले ये संख्या 26 थी, अब योजना के दायरे में 89 बांध आ गए हैं। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अजमेर, करौली, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर, बारा, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी और कोटा को ये परियोजना जोड़ती है। 2.02 लाख हेक्टेयर नई सिंचाई भूमि बनेगी। पीने वाले पानी के साथ किसानों को सिंचाई के लिए लाभ मिलेगा। इस परियोजना से 13 जिले जुड़े हैं। राजस्थान की कुल 200 सीटों में से 83 सीटें इन्हीं 13 जिलों से आती हैं। राजस्थान की करीब 42% आबादी इन्हीं जिलों में रहती है, तो वहीं इस परियोजना में राजस्थान की पार्वती, चंबल और काली सिंध नदी को भी जोड़ने की बात कही गई है। इन नदियों को अगर आपस में जोड़ा जाता है तो न सिर्फ लोगों को पीने का पानी मिलेगा बल्कि किसानों को भी इससे सिंचाई में मदद मिलेगी। दरअसल चंबल नदी में पूरे साल पानी रहता है। इसका करीब 20,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी हर साल बंगाल की खाड़ी में बह जाता है। इसी पानी को रोकने और इस्तेमाल में लाने के लिए ये योजना बनाई जा रही है। ये योजना कोई नई नहीं है बल्कि इसे वसुंधरा राजे के कार्यकाल में तैयार किया गया था। ERCP योजना के लिए 40,000 करोड़ का बजट तय किया गया है लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाई है। इसी पर राजनीति काफी तेज है।